सो अब गाड़ी हम पार्किंग लगाएंगे हमारी। रवि गए पार्किंग में। ये है रणथंभौर का दुर्ग और अभी आपको लेकर चलेंगे हम पूरा ऊपर तक। सो अब हम एंटर कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग के लिए, जिसके अंदर हम आगे चलने पर देखते हैं एक बड़ा सा गेट जो फर्स्ट गेट है। सो उसका नाम है नवलखा पोल। एंड गाइस यहाँ पर टोटल 7 गेट्स हैं। सो आपको वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, ब्लॉग में एंड तक बने रहे। और आप देख पा रहे हो रणथंभौर दुर्ग की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है। गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारी वाइब आ रही है एंड द व्यू इज़ अमेजिंग। रणथंभौर दुर्ग है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, सो उसे एक बार रीड कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग में आपको ऊपर चलने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और अभी हमें चलना है उधर दुर्ग पर। और गाइस जो सेकंड गेट है वो है हाथी पोल, जो अब हम सेकंड गेट में एंटर करने वाले हैं। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। देखिए और गाइस व्यू, इतनी सारी सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, कितना ही प्यारा व्यू है। एंड वाओ, पूरा व्यू आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ मेरे को फोटोशूट के लिए दिख रहा है यहाँ पे। चल गाइस मैं इस छतरी में आ चुका हूँ, जो यहाँ से सबसे जो पूरा व्यू आता है ना बहुत ही अमेजिंग आता है। आप ये पहाड़ देख रहे हो, ये पूरा रणथंभौर अभयारण्य है। जैसा कि आप सभी को पता है आज मैं आपको रणथंभौर दुर्ग है उसका पूरा टूर करवा रहा हूँ, तो उसी के अंदर मैं आपको कुछ व्यू दिखाने वाला हूँ। इससे यहाँ का जो व्यू बनता है वो बहुत ही अमेजिंग बनता है। आप देख पा रहे हो मेरे चारों तरफ बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। वो चौहान शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं जो तीसरा गेट है, आप देख पा रहे हो इस गेट का नाम है गणेश पोल। और अब हम चलते हैं आगे। गाइस आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि आज कोई फेस्टिवल नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली जो गणेश चतुर्थी होती है गाइस उस पर बहुत ही अच्छा मेला लगता है। जो चौथा गेट है उस पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम अंधेरी पोल है कुछ इस तरह से। अब आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। आगे चलने पर कुछ ये दिखाई देता है हमें, जो ये होल हो रहे हैं एक्चुअली ये छेद नहीं है गाइस, ये है उस टाइम पर राजा युद्ध के टाइम पर लड़ाई करते थे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से पूरा नीचे का व्यू दिखता है और इसके अंदर बंदूक रखकर तोप रखकर जो राजा थे वो जो अपने शत्रु होते थे उन पर हमला करते थे। तो आप देख पा रहे हो अभी हम चलते हैं आगे क्योंकि हमें कुछ मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जैसा आप देख रहे हो इस वीडियो में। सो लेकर चलते हैं आपको इसके अंदर, देखते हैं कुछ नया देखने को मिलता है क्या इस मंदिर में, ऐसा क्या है। सो चलते हैं और मेरे पीछे का व्यू आप देख पा रहे हो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है गाइस। रणथंभौर जो दुर्ग सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सो आप एक बार आइए इंजॉय। सुन देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस कोई भी नहीं, मतलब इतना सन्नाटा है यहाँ पर। आगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है, पीसफुल आपका माइंड बिल्कुल। लेकर चलते हैं आपको, लेट्स सी। वाओ अमेजिंग। ओ गाइस जो यहाँ का व्यू है नेक्स्ट लेवल, देख पा रहे हो पूरा पहाड़ यहाँ से दिख जाता है और ये बिल्कुल जंगल जैसा। अब चलते हैं अंदर आपको लेकर उस टाइम के बने हुए, ये अमेजिंग। ये उस टाइम के बने हुए घर है, देख पा रहे हो आप किस टाइप के है उस टाइम पे बने हुए। और आगे चलने पर इधर का जो आपको व्यू है वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार सीन जो दिखाने वाला हूँ वो आप देखकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं अभी रणथंभौर दुर्ग के बहुत ही ऊपर हूँ
और आप देख पा रहे हो मेरे जस्ट पीछे का जो व्यू है गाइस, देख रहे हो, अमेजिंग। पूरा जंगल यहाँ से दिखाई देता है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। तो आप एक बार जरूर आइए रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो चलिए और आगे का आपको व्यू पूरा दिखाते हैं। रहे वीडियो के एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देना। अब आगे लेके चलते हैं आपको और दिखाते एक बहुत ही अच्छा व्यू। आप यहाँ पर कुछ तालाब देखने को मिलता है और जो यहाँ का व्यू है वो आप देख सकते हो गाइस। अब आपको लेकर चलते हैं दिगंबर जैन का मंदिर दिखाने को। दिखाने वाला हूँ 32 खंभों की छतरी जस्ट मेरे पीछे। अब दिखाने वाले हैं आपको 32 खंभों की जो छतरी है उसके नीचे बना हुआ शिव जी का मंदिर। वाव, अमेजिंग। रणथंभौर जो दूर आपको भी टूर करवाया उसके अंदर जो 32 खंभों की छतरी है जो बहुत ही प्रचलित है उसके अंदर नीचे बना हुआ है शिवलिंग जो शिव जी की शिवलिंग है वो बना हुआ है। आप देख सकते हो कितना बड़ा शिवलिंग है। आई थिंक इतना बड़ा शिवलिंग मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आपको ये शिवलिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको। और आप कभी भी अगर रणथंभौर आना चाहते हो तो उसके लिए आपको सवाई माधोपुर जो स्टेशन है वो दिल्ली टू मुंबई जो रेलवे ट्रैक है ना वहां पर है और आप कभी भी आ सकते हो। सो एक बार जरूर उनके दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आके। सो अभी आपको हमने दिखाया जो शिव जी की शिवलिंग है। आई होप आपको अच्छा लगा हो देखकर। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं बहुत सी चीज़ें जो आपको दिखानी है। सो बने रहे वीडियो के एंड तक। एंड जो हमारे पीछे है गाइस, यहाँ पर आता है एक पार्क जो बहुत ही अच्छा है। हमें दिखा है एक रास्ता जिसके अंदर कोई भी नहीं जा रहा था, तो जाना चाहिए हमें। और मेरे जस्ट पीछे आप देख पा रहे हो घना जंगल गाइस, मैं इसमें मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। ये है राज मंदिर और ये है इसका गेट। अब चलते हैं इस मंदिर में, दिखाते हैं आपको कुछ। सो गाइस इधर हमें दिखता है हनुमान जी का मंदिर और हम हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम, हनुमान जी के दर्शन किए। गाइस ये है पार्क और ये है रणथंभौर का दुर्ग। ये तो गेट बंद है, यहाँ पर एंट्री नहीं है। सो इस तरह से आप देख सकते हो दुर्ग तो कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर जो पद्मला कुंड है वो आप देख सकते हो। जो पद्मला कुंड है आप पूरा देख सकते हो। इसका नाम पद्मला कुंड इसलिए रखा गया था क्योंकि जो राजा जो हमीर थे उनकी बेटी रानी पद्मला इसके अंदर कूद कर उन्होंने अपनी जान दी थी और उनके पास एक पत्थर था पारस पत्थर। उस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस पत्थर को लोहे से टच करते ही वो सोना बन जाता था, जो भी लोहा था वो सोना बन जाता था। तो इसलिए ये कुंड बहुत फेमस है। आइए आपको दिखाता हूँ इस कुंड के बारे में। गाइस देख सकते हो इतना बड़ा कुंड है ये और इस कुंड के अंदर जो रानी पद्मला थी वो कूद कर उन्होंने अपनी जान दी थी। सो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो, आई होप आपने इंजॉय किया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।